राजस्थान में। मैंने कहा मुझे करना है, तो क्या तुम ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से सीख के आई हो? हमारा ऑफिसर्स कैंपस के सब लोग डांडा करें। मैंने कहा ये मैं वनस्थली सीख के आई हूँ। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगी, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन उनके मिसेस वनस्थली से पढ़े हुए हैं, वो आना चाह रहे थे, उनकी भी सर्जरी हुई है, वो आए नहीं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और मैंने एमएड में एडमिशन लिया, और लेते ही मैंने कहा सर एक महीने की छुट्टी चाहिए। सर कहते किस लिए? मैंने कहा मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, चौथा ऑपरेशन था मेरा और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन वनस्थली की बेटी हारने वालों में नहीं थी। मैंने कहा सर आप रिस्क लीजिए, जीवन तो मेरा है। और एमएड में एक और सर्जरी हुई। दिसंबर में आके मैंने सोचा मुझे डेजर्टेशन नहीं करना और होगा भी नहीं इस हाल में, और मुझे पढ़ना भी नहीं है। बस पता नहीं लाइफ कितनी है। मेरे गाइड डॉक्टर डीपी सिंह जो झुंझुनू में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाते हैं, उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, और मेरे हस्बैंड ने मेरा डेजर्टेशन किया। और दोस्तों मैंने एमएड में बीकानेर यूनिवर्सिटी को टॉप किया। फिर मुझे उसी साल राजस्थान में बीएड कॉलेजेस को मान्यता मिली और मैं एज अ लेक्चरर बीएड कॉलेज में नियुक्त हो गई। तो मुझे लगा जिंदगी में कुछ कई सालों के बाद अच्छा हुआ, तो शायद अब तो पंख लग गए और उड़ जाएंगे। पंख कहाँ लगे, वो कुछ सालों के लिए लगे। 2006 के बाद मैं भूल गई कि मुझे कैंसर है। 3-3 महीने बाद फॉलोअप के लिए जाना, मैं जाती थी, वापस आती, स्कैनिंग होती, सब होता, सब कुछ झेला। लेकिन जून 2013 में आकर के वापस रेकरेंस हो गई। और आप ये सोचिए मेरे थ्रोट में है, आप 5वीं बार उसको काटेंगे तो वहाँ क्या है? सर ने कहा सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है, इसको वॉच करते हैं। उधर जून में वॉल पे धमाल 3 का कार्यक्रम आने लगा था, और मैं ये सोचूं भगवान अगर कहीं हो तो धमाल में जाने दो, इसको यहीं छोड़ दो। पर कहते हैं होता वही है जो मुकद्दर में लिखा रहता है। ये बढ़ता गया और मेरा धमाल 3 में आना कैंसिल हो गया। जिस दिन धमाल 3 था मैं उस दिन टाटा में थी। मुझ पे क्या बीत रही होगी, ये आज मेरे साथ जो धमाल में आए हुए लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं कि पल पल के इंतज़ार के बाद हम यहाँ आते हैं। वो दौर चलता रहा। मेरी बहुत अच्छी दोस्त शिल्पा भारद्वाज सब जानते हैं। शिल्पा ने दिसंबर पे वॉल पे बताया कि गुरजीत को कैंसर है, प्लीज़ उसके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि तब ये था शायद सर्जरी नहीं करेंगे। हम जिद पे आ गए और वापस मेरी सर्जरी हुई। और जनवरी 2014 में दोस्तों जब मैं टाटा में एडमिट थी, हमारी परिवार की वॉल इतनी एक्टिव थी मुझे पता ही नहीं चला मैं हॉस्पिटल हूँ। सब देखेंगे ये पेशेंट सबसे ज्यादा बिजी है, ये करता क्या है? पेशेंट टिक टिक। और मैं एक भी पल खोना नहीं चाहती थी कि जब मेरे को एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा तब तो देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले तक अंताक्षरी भी खेल डालूं, कमेंट्स भी कर दूं, सब कुछ कर लूं।
11 बजे थिएटर ले जाया गया, 3 बजे जाकर के केस बिगड़ गया। एक ही जुगलर वेन थी, दूसरी को फिर होल नेक डाइसेक्शन होना था तीसरी बार। दूसरी को खतरा था, HOD जो डायरेक्टर हैं सांत्वना दी बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। सर 3 बजे भागते हुए गए तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि सर गुरजीत ठीक है, क्योंकि वनस्थली की तरह वहाँ भी मैं उनका फेवरेट पेशेंट हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, मैं जा रहा हूँ, उसको मरने नहीं दूंगा। और ये तो एन मौके के रेजिडेंट्स और जूनियर्स ने बताया कि डीक्रूज सर नहीं आते तो शायद ये ठीक नहीं हो पाता। और 7 बजे मुझे CCU में शिफ्ट किया। एक हैरानी थी, सब देखने आ रहे थे कि वो पेशेंट किधर है जिसकी इतनी लंबी सर्जरी चली। और उस दौरान शिल्पा कंटिन्यूसली टच में थी कि गुरजीत आई बाहर या अंदर है, बाहर आई या अंदर है। और जब मुझे दूसरे दिन होश आया तो होश आते ही मैंने कहा फ़ोन लाओ, क्योंकि इतनी ट्रेन्स और वो राइस ट्यूब और वो सब कनेक्शंस कह सकते हैं वो लगे हुए थे मेरे साथ। तो मैंने ब्रदर को कहा कि तू फ़ोन पकड़ और नेट कनेक्ट करो और वॉल पे चलो। बोल तो नहीं पाती थी, इशारे से बताना था। उस दौर को झेल दिया, छुट्टी मिली, घर आए, सर ने डिसीजन लिया रेडिएशन देना है, बॉडी के हर पार्ट का रेडिएशन इजी है, लेकिन जब हेड एंड नेक का रेडिएशन होता है उसमें जान को खतरा रहता है, क्योंकि आप स्वेलो नहीं कर पाते। 15 रेडिएशन के बाद पेशेंट पानी पीने में भी तकलीफ अनुभव करता है। तो 30 से 35 रेडिएशन दिए जाते हैं। रेडिएशन जब देने के लिए मुझे फैब में वापस बुला लिया गया, मैं गई, मेरी विल पावर मैं खो चुकी थी। मुझे लगा यहाँ तक तो बचाए, अब नहीं बचेंगे। लेकिन फिर वो वनस्थली कहाँ मरने देती मुझे। वॉल पे मैंने फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, वॉल पे मेरी जांच पड़ताल शुरू हो गई। सांत्वना दी बोली हमारे बीच हैं, वो भी कैंसर पेशेंट हैं, कहती उसकी जांच पड़ताल मैं करके आती हूँ। दीदी ने 50 फ़ोन किए होंगे, मैंने दीदी का फ़ोन रिसीव नहीं किया कि मैं इमोशनल हो जाऊँगी और मैं किसी से अब मिलूँगी नहीं और कभी नहीं मिलूँगी। जितने दिन हूँ मैंने नहीं मिलना, सबको मेरा हंसता चेहरा याद रहे, क्योंकि वॉल और ग्रुप्स में हम लोग ही के नाम से ही फेमस हैं, शिल्पा और मैं। दीदी आई, दीदी ने मुझे देखा, मेरे रूम पे मुझे मिलने आई और दीदी ने मुझे बहुत हौसला दिया। दीदी ने विग लगा रखा था, दीदी बोले उतार के दिखाऊं, ये तो कुछ नहीं है। और मैं तो पागल, जिस दिन कीमो और रेडियो लगता था मैं तो घूमने जाती थी, और मैं ये सोचूं ये घूमने जाती थी और मैं उठ के ही नहीं, टैक्सी से नीचे नहीं उतर पाती हूँ। और वो भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि शायद अगर वो झूठ नहीं बोलती तो मेरी विल पावर कैसे स्ट्रांग होती। और अच्छा अच्छा खूब अपनी तरफ से खाना बना के लाती, पर मेरी तो टेस्ट बड्स कट चुकी तो मेरे तो कोई टेस्ट नहीं है, पर वो सॉफ्ट होता मैं खाती। और मुझे लगा कि दीदी एकदम फिट हेल्दी वेल्दी और मैं भी हो जाऊंगी। और मैंने रेडिएशन बड़े हौसले के साथ लेने शुरू किए, लेकिन वो हौसला 2-3 दिन का होता है, जब बीतती है फिर टूट जाता है। फिर दीदी हॉस्पिटल में मिली मुझे, स्टाफ वहाँ का बहुत कोऑपरेटिंग था और एक हमारा वनस्थली का बहुत प्यारा ग्रुप, लवली चिरपिंग बर्ड्स, इंदर दीदी का ग्रुप। इस ग्रुप ने तो रेडिएशन के दर्द को भी आधा कर दिया। सवेरे 4:30-5 बजे से मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग से लेकर के और रात तक जब तक मैं सोई नहीं,
सही कह रही हूँ ना शुचि दी? कभी जोक, इनको मेरा ये भी याद रहता था कि कल छुट्टी है, रेडिएशन नहीं होगा। और आज तूने क्या खाया? मेरे हस्बैंड कहते हैं सलाम उस वनस्थली को, और मैं इन दीदियों को मिलूंगा जरूर। और मैंने फेब से लेकर मई तक का समय वहाँ पास किया, और अब मुझे लगा कि मैं धमाल में जा सकती हूँ। धमाल का प्रोग्राम जब साइट पे आया तो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अपने लेवल के रिस्ट्रिक्शंस फिर शुरू हो गए। तो मैंने कहा कुछ ही कर लो, वहाँ तो जाऊंगी। क्या हम लेके जाएंगे? मैंने कहा नहीं। और दूसरा, दीदियों ने कहा था कि तुम्हें आना जरूर है, यहाँ तुम्हारे खाने की, तुम्हारे कोई भी काम की सब चिंता हमारी है, तुम्हारी नहीं है। और मैंने उन पलों को कैसे बिताया कि कब वो समय आए और मैं फटाफट जयपुर पहुंच जाऊं, उड़ के पहुंच जाऊं। और बहुत इंतज़ार के बाद वो पल आया। कल मैं मेरी सबसे रूबरू मुलाकात हुई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी की इस दौड़ में एक बार फिर कुछ नया करने का मुझे मौका दिया है भगवान ने, और एक नए रूप में एक नई पर्सनालिटी के साथ उन्हें उभर कर आना है और वनस्थली का नाम फिर से रोशन करना है। यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुरलीधर मिश्रा सर और सपना दीदी, ये एज अ एग्जामिनर मेरे कॉलेज में गए। मेरी उन दिनों में कसर भगवान ने कोई नहीं छोड़ी, स्लिप डिस्क थी और मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे। और ये जब कॉलेज पहुँचे, नोटिस बोर्ड पे मेरी पिक्चर्स देखी, तो चूंकि यहाँ मेरी दीदियाँ थी पहले से, तो निकनेम राजू होने के कारण सब राजू बुलाते थे। तो सपना दीदी देखते ही फोटोग्राफ्स कहती, ये तो हमारी राजू है, कहाँ है ये? तो वो कहा कि मैडम तो घर पे हैं, उनकी स्लिप डिस्क है। कि ऐसा है, एग्ज़ाम लेंगे बाद में, पहले या तो लेके आओ या हमें लेके चलो। तो वो कहते तुम्हारे वनस्थली वालों में ऐसा कौन सा सूत्र है? और स्लिप डिस्क होने के बावजूद लंच डिनर सब कुछ साथ, और क्या वहाँ नहीं जाएंगे तो घर करेंगे, यहाँ पैक करवा लाओ। तो ये है हमारी वनस्थली, और अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वनस्थली में हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का बहुत इंतज़ार होता है वो जब हासिल होती है तो हमें विश्वास करने में थोड़ा समय लगता है। तो शायद मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा कि मैं यहाँ हूँ, और वो तब समझ में आएगा जब हम फोटोग्राफ्स देखेंगे अगले धमाल तक। क्योंकि इसमें तो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, डांस नहीं कर पा रहे, अगले में तो और जोर जबरदस्ती के साथ आना है और 70 लोगों को और लाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार सुधाकर दादा, आदित्य दादा, सुधा जी एंड मेरी सब 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 जीजियाँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे मैं थर्ड